अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख्वाजा अली मोहद्दीन, सोशल वर्कर। खुसूसन बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे, अलीम भाई बाबा सिद्दीकी के लिए आप कुछ भी नहीं बोले। बोलना यही चाह रहा हूँ मेरे भाई, बाबा सिद्दीक ऐसे शख्सियत थे, हर कोई पहचानते थे बाबा सिद्दीक को, हिंदू से लेके मुसलमान तक। बाबा सिद्दीकी साहब 3 वक्त MLA रह चुके हैं मेरे भाई। तो बाबा सिद्दीकी को एक प्लानिंग करके कैसा ऑफर मर्डर देके मारे, आप देखिए। आप बाबा सिद्दीकी के ऐसे पूरा शहर पूरा रोराज, क्यों हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते थे। अगर उनके घर में इफ्तार पार्टी रहती थी, 90% हमारे हिंदू भाइयाँ रहते थे वो इफ्तार पार्टी में। 7,000 से 8,000 के लोगों के, बेवाओं के घर में राशन दलाते थे बाबा सिद्दीकी साहब। ऐसा प्लानिंग से मारे, पूछो नको मेरे भाई। मर्डर आम खास हो गया मेरे भाई। मर्डर करो, 3 महीने जेल में रहो, बेल लियो, छूट जाओ, एक फैशन बन चुका है, एक ऑफर मर्डर है ये। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, अगर कोई भी दुश्मनी निकाल रहा तो किसी से पैसे दे के ऑफर दे के मर्डर करा रहा, तो ऐसे लोगों के ऊपर सक्सेसिव कार्रवाई की जाए। जो भी मर्डर करा उसको फांसी पे तख्ते पे लटका देना, क्योंकि दूसरी खत सोचना उन्हें मर्डर करने का से। तो बाबा सिद्दीकी साहब एक नामकारी आदमी थे मेरे भाई। आज हमारे हैदराबाद के हर लोग बाबा सिद्दीकी के नाम से आज आँखों में आंसू आ रहे, बयान देते खुद भी आंसू आ रहे। आज हम लोग इतना अफसोस हो रहा बाबा सिद्दीकी के बारे में, इतनी तकलीफ हो रही सुने जैसा, दिन नहीं रात नहीं सिर्फ गम बना रही हम लोग मेरे भाई। तो जितना हो सके बाबा सिद्दीकी के हक में दुआ करिए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे मेरे भाई। कोई भी ऐसा मर्डर कर रहा तो हुकूमत से चाहना चाह रहा हूँ मैं, बम्बई की पुलिस से सख्त से सख्त उन लोगों को तख्ते पे बैठना, उन लोगों को बेल नहीं मिलना, अंडर ट्रायल चलना केस। अगर ऐसा अगर नामकारी आदमियों को मारते रहेंगे तो पुलिस का डर बढ़ जाएगा, बेल करेंगे, छुट जाएंगे, एक फैशन बन चुका है मेरे भाई। लोग 50,000 रुपये के ऐसे एक आदमी की जान रह गई वैसा दिख रहा, 50,000 रुपये दियो उसको मार दो। तो ऐसा मत करिए मेरे भाई, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती। अगर कहीं भी मर्डर हो रहा अंडर ट्रायल केस चलना, फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना उसको। अब लोगों को मालूम हो चुका है मेरे भाई, मर्डर करे तो हम 3 महीने की हमारे को सज़ा होंगी, हम बेल करा लेंगे। तो ऐसा मत हो मेरे भाई, कानून के ऊपर भरोसा है, हुकूमत ये रूल्स फॉलो करना चाहिए, जो भी मर्डर कर रहा उसको अंडर ट्रायल केस चलाना चाहिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, बाबा सिद्दीकी के हक में हम हम पूरे मुसलमान भाइयाँ हिंदू भाइयाँ हाथ उठा के दुआ करें मेरे भाई। हर जगह अफसोस है हम लोगों को, अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते के ऊपर पहुँचाना। लोग UP आगरा कई डिस्ट्रिक्टों से ऐसा लोगों को प्लानिंग करके ऐसा पैसे देके मर्डर करा रहे, मर्डर कराने के ऐसे भाई फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो लोगों को, परवाह नहीं। मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं बम्बई की पुलिस कमिश्नर से मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी के तख्ते पे पहुँचाना। आज एक बाबा इनका मर्डर करे, आज बाबा सिद्दीकी का, कई जनों का, फिर लोग ऐसा रूल्स बना लेंगे। अब क्या MLA की वैल्यू नहीं रही या कारपोरेटर की वैल्यू नहीं रही, बोलिए आप एक आम आदमी कैसा जींगा। खौफ हो चुका है लोगों को, ये इसके ऊपर सक्सेस है बम्बई की पुलिस कार्रवाई कराना बहुत ज़रूरी है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मैं बम्बई पुलिस से कि मेरे को भरोसा है बम्बई पुलिस के ऊपर कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख्वाजा अली मोहद्दीन, सोशल वर्कर।